तो अगर आप भी अपने 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में इस महंगाई के दौर में अपनी छोटी फैमिली के लिए कोई सस्ती माइक्रो एसयूवी कार मार्केट में तलाशने निकल चुके हैं, तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में आपके लिए शानदार कार के साथ एंट्री लेने वाली है। बता दें कि भारतीय बाजार में आजकल माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कारों की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर कोई ग्राहक अपने बजट सेगमेंट में माइक्रो एसयूवी कारों को तलाशने मार्केट में निकल रहा है और कंपनियां एक के बाद एक शानदार कारों को लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। इन्हीं कारों को कड़ी टक्कर देने के लिए आखिरकार भारत की देसी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में अपनी सबसे पॉपुलर कार सवो को नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ लॉन्च करने की तैयारी पूरे भारत में कर चुकी है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मार्केट में सवो एक ऐसा विकल्प है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये कार अपने ऑल्टो से भी काफी कम प्राइस में बेची और खरीदी जाती थी, मगर किसी कारणों के चलते इस कार को मार्केट से डिसकंटिन्यू किया गया। मगर आज की महंगाई को देखते हुए और स्मार्ट जमाने के साथ आप सभी की उम्मीदों पे खरी उतरने वाली सवो एक बार फिर से रीडिजाइन होते हुए अपने एसयूवी अंदाज के साथ अपने हैचबैक रूप को पीछे छोड़ मार्केट में एक बार नए अंदाज में दस्तक देने वाली है। आगे बढ़ते हुए बात कर ली जाए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 सवो के, सबसे पहले लुक से लेकर डिजाइन की बात, जो कि हर किसी को आज के स्मार्ट जमाने में इस कार को स्मार्ट बना रही है। कार का लुक मार्केट में पूरी तरीके से यूनिक है। आप इस कार को जिमनी का छोटा मॉडल भी कह सकते हैं। सवो की सबसे खास बात है कि इस कार का शानदार लुक और इस कार का डिजाइन मार्केट में कई सेगमेंट की कारों को इस कार को अलग बना देता है। ओके, फ्रंट लुक में आप देख पा रहे हैं कि कार में अब बोरिंग हेडलैम्प्स को रिप्लेस करके आखिरकार प्रोजेक्टर लाइनअप का सेटअप आपको इस कार में देखने को मिलता है। साथ ही साथ सवो के अंदर डे टाइम रनिंग लाइट्स का इस्तेमाल भी कंपनी ने कर डाला है। सवो के ग्रिल ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो देख पा रहे हैं कि कंपनी ने सवो को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैट ब्लैक और न्यू रेटिनाइन अपडेट का ग्रिल का इस्तेमाल आखिरकार सवो जैसे मॉडल में कम दाम में भी कर डाला है। साथ ही साथ इस कार में सुजुकी का नया लोगो भी आपको नजर आता है। सवो शानदार लुक के साथ अपने ऊंचे अंदाज में नजर आ रही है, क्योंकि इस कार में एक स्पोर्टी लुक वाले बम्पर का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसमें काफी शानदार क्रीज और बेहतरीन सिल्वर डिजाइन के साथ लगे फॉग लैंप्स इस कार को मार्केट में कई सेगमेंट की कारों से काफी अच्छी एसयूवी वाला मार्केट में दे रहे हैं। सवो अपने ओवरऑल लुक के चलते मार्केट में 4x2 के डिजाइन के साथ नजर आती है। आखिरकार पुराने हैचबैक डिजाइन से इस कार को चौड़ा और लाइनअप में बड़ा रखा गया है, जिसके चलते 5 से 6 लोग बैठने के लिए सवो पूरी तरीके से फिट है। साइड प्रोफाइल से अगर गौर किया जाए तो सवो ऑफ रोडिंग के दीवानों का भी अपने कम बजट में सपना पूरा करने वाली है। आखिरकार इस बजट सेगमेंट की कार में आपको 17 इंच के ऑफ रोडिंग टायर भी नजर आते हैं, जिसमें कंपनी एलॉय व्हील का इस्तेमाल मारुति सुजुकी ने किया है। शानदार सवो इससे काफी बेहतरीन रोड पे चलते हुए नजर आने वाली है। सवो के ग्राउंड क्लीयरेंस पे गौर किया जाए तो देख पा रहे हैं कि कार के ग्राउंड क्लीयरेंस को अच्छा खासा ऊंचा रखा गया है। मार्केट में आने वाले सवो में आपको इतना ही नहीं, देख पा रहे हैं कि इस कार में नए डिजाइन के हैंडल्स बार से लेकर बेहतरीन बजट सेगमेंट वाली इस कार में दोनों साइड फिंग्स मिरर पे एक्शन कैमरे जैसी प्रणाली इस कार को स्मार्ट बनाने के साथ आपको भी स्मार्ट नए जमाने के साथ बनाने वाली है। मारुति सुजुकी तो माइलेज के मामले में किंग कहलाई जाती है। इस जबरदस्त कंपनी की सभी कारें शानदार परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए ही तो जानी जाती है। आखिरकार सवो जैसी कार में स्मार्ट जमाने के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेस इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल कंपनी ने कर डाला है। तो आइए फिर बात कर ली जाए सवो के इंजन तथा पावर के बारे में। तो आने वाली छोटी पैकेज में आपको बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। सवो जैसी कार में आपको 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके चलते ये कार 180 BHP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 190 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। आने वाली सवो में आपको 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन भी मिलने वाले हैं। माइलेज की बात कर ले जाए तो भाइयों, मारुति सुजुकी की कारें आज से नहीं काफी लंबे समय से परफॉर्मेंस और माइलेज भरी कारों को लॉन्च करती हुई नजर आती है, और सवो जैसी कार को तो ऑल्टो से ज्यादा माइलेज देने वाली कार आज से नहीं काफी लंबे समय से कहा जाता है। इस कार का इंजन प्रति लीटर में आपको 30 से लेकर 31 के आसपास ऑल्टो से ज्यादा माइलेज दे पाने में ये कार क्षमता रखती है ना कमाल की बात। के दौर में हर कोई ग्राहक अपने कम बजट
सेगमेंट में कार में शानदार फीचर्स को भी तलाशता है। हर कोई चाहता है कि कार में शानदार फीचर्स आपको मिल पाए। तो लीजिए भाइयों, मारुति सुजुकी ने आपके लिए आपकी उम्मीदों में खड़ी उतरने वाली कार सर्वो जैसे मॉडल में 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स को आखिरकार जोड़ डाला है। आप वीडियो में खुद देख पा रहे हैं कि कार के डैशबोर्ड को अपने प्राइस रेंज के चलते कितना प्रीमियम कंपनी ने इस कार में दे डाला है। डैशबोर्ड पे नजर सबसे पहले जाए तो देख पा रहे हैं कि कार के डैशबोर्ड को प्रीमियम बनाने के लिए मारुति सुजुकी ने आखिरकार इस कार में लेदर के साथ वुडन का लाइनअप और साथ ही साथ बेहतरीन लेदर अपडेट क्रीज का इस्तेमाल कंपनी ने डैशबोर्ड को और भी खूबसूरत बनाने के लिए किया है, जिससे ये कार काफी प्रीमियम और थार जैसे इंटीरियर से लेकर जिमनी जैसे नए डिजाइन ऑप्शन के साथ नजर आती है। सर्वो जैसी कार में आपको दोनों साइड बिल्कुल नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स भी नजर आते हैं, जिसमें 2.0 पर आधारित प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ सर्वो जैसी कार में 1.2 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पैनल ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आने वाली सर्वो जैसी छोटी कार में आपको स्मार्ट बनाने के लिए आखिरकार कंपनी ने 5 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल सर्वो जैसी कार में कर डाला है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से लेकर नेविगेशन सिस्टम, यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल, एआई जैसे फंक्शंस को आप अपनी वॉइस कमांड से इस कार में एक्सेस कर सकते हैं। कार में वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमोन्स के पूरे 6 साउंड स्पीकर ऑप्शन इस छोटी कार में बड़े पैकेज में धमाका करने वाले हैं। वो जैसी कार में आपको शानदार सीटिंग ऑप्शन ही देखने को मिलने वाली है। आज के स्मार्ट जमाने के साथ आखिरकार मारुति सुजुकी ने सर्वो जैसी कार में अपोल सीट्स का सेक्शन दे डाला है। इन सीटों की खास बात तो आपको पता ही है कि आप बैठे बिठाए 14 तरीके से इन कार की सीटों को एक्सेस कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। ना यूज होने पर कार की सीटों को बाहर भी निकाला जा सकता है और अपने सर्वो में बूट स्पेस को काफी अच्छा मेंटेन भी किया जा सकता है। ठीक है, सर्वो के सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली जाए तो इस कार को सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है, जिसके चलते सर्वो को 90% तक स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जो कि मार्केट में काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ इस कार को ग्लोबल एनसीबी से लेकर क्रेस्टे स्मारकों के तहत पहले ही पूरे 5 की रेटिंग मिल चुकी है, जो कि भारत में काफी अच्छी है। और साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स पे अगर नजर डाले तो सर्वो जैसी कार में आपको इस बजट सेगमेंट में भी पूरे 3 एयरबैग्स फ्रंट में देखने को मिलते हैं और साइड एयरबैग्स तक इस कार में शामिल किए गए हैं। ईबीडी टेक्नोलॉजी से लेकर एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरे जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स मार्केट में आने वाली स्मार्ट सर्वो को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाने वाली है। मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 सर्वो को 3 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। इस कार के बेस वेरिएंट की कीमत 2.90 लाख रुपए एक्शन प्राइस होने वाली है। तो देरी किस बात की, तो अगर आप भी अपनी सर्वो कार को अपने नए अंदाज और एसयूवी लुक के साथ बुक करने का प्लान इस वीडियो को देखने के बाद बना चुके हैं तो कमेंट बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो सर्वो के लिए कर दीजिएगा एक लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।